Hi students, good morning. So the enemy, let's resume it. In the previous class you saw Sadao just got the bullet from the body. He just was very happy that not very happy but he was happy to know that, or he conveyed to the patient that the bullet was just near the kidney. Now let's see what happens. Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, precise means very accurate cut, surgical cut. So ये bullet को निकाला तो उन्होंने कुछ knife type कुछ चीजों से cut किया body को. The bullet was out. तो उन्होंने कुछ bullet के जो चोट है उसको चारों तरफ थोड़ा cut करके उस गोली को बाहर निकाला, उस bullet को बाहर निकाला. The man quivered. तो जब वो निकाला तो एक shivering आया उसके mind में, sorry shiver करने लग गया. But he was still unconscious. थोड़ा pain हो गया हुआ तो he quivered, हाँ लग गया. But was still unconscious. वो अपने होश में नहीं आया. Nevertheless, he muttered a few English words. फिर भी वो अपने बेहोश condition में भी कुछ English words को बोलने लग गया, utter करने लग गया. Guts, he muttered. चौकी दे गॉड माई गट, गट मतलब मेरा स्टमक और बेली को कहते हैं गट्स. उन लोगों ने मेरे गट्स को चोट पहुंचाया, मतलब दे डिस्ट्रॉयड माई बॉडी, बंदूक से उन्होंने मेरे बॉडी पे चोट पहुंचाया, ऐसे चिल्लाने लगे वो. गट्स मीन्स द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन पे चोट लगाया या ऐसा चिल्लाने लगे वो. ही फेल्ट दैट उनको इंटेस्टाइन को यहाँ पेट के अंदर चोट लगा है. सदाओ अंदर ब्रेक शॉर्टली चुप रहो, सदाओ ने उसको बोला चुप रहो, आवाज नहीं. द मैन सैंक अगेन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट. तो एक और बार बहुत बिल्कुल ही बेहोश कंडीशन में चला गया स्ट्रेंजर. तो इस केस क्या हुआ, सदाओ का रिस्ट पकड़ के देखने ले गया कैसे है उसका रिस्ट, सॉरी उसका रिस्ट पकड़ के इसका पल्स देखने ले गया. हेट द टच ऑफ इट, वो उनको हाथ पकड़ के पल्स देखने लगे पल्स रेट कैसे है. बट ही डिडंट लाइक द लाइक टू टच इट, एक डिसलाइक के साथ उन्होंने उसका हाथ पकड़ा. यस देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट, तो बहुत ही फेंट पल्स आ रहा था, मतलब नॉट नॉर्मल है, हल्का हल्का सा पल्स आ रहा है. सो फीबल सो वीक पल्स बट इनफ, बट एक आदमी जिंदा है बताने के लिए इनफ है पल्स उसमें. If he wanted the man to live to give hope, तो इतना pulse rate दिख रहा है कि अगर एक डॉक्टर चाहे तो उसको alive कर सकते हैं, मतलब वो जिंदा रहने का pulse है उस आदमी में. But suddenly I do not want this man to live, तो ये pulse rate देखा तो उस समय भी ये बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता कि आदमी जिंदा रहे. He thought, आपको मालूम है ये सोच चलाओ में क्यों आ रहे बार बार. No more anesthetic. कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है, and thrust it to the patient's left arm. और उसके लेफ्ट आर्म में उन्होंने उसको thrust किया, मतलब जोर से घुसा कर इंजेक्ट किया उसको उस स्ट्रेंजर को. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. तो और वो सिरिंज नीचे डालकर उन्होंने वंस अगेन उसका पल्स देखने ले गया. The pulse on his fingers fluttered once or twice. एक दो बार वो फ्लटर किया. And then grew stronger. पहले एक दो बार प्रॉपर नहीं था, ऐसे किया फिर वो प्रॉपर हो गया, वो पल्स नॉर्मल हो गया. दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, कुछ भी हो सारा प्रॉब्लम ओवरकम करके ये आदमी जिएगा. ही सेड टू हना एंड साहब, दीर्घ मतलब एक लंबा श्वास लेके बोला कुछ भी हो ये आदमी विल सर्वाइव. द यंग मैन वोक, और वो होश में आ गया यंग मैन. सो वीक हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, क्योंकि आंखों में अच्छी तरह से घबराहट थी, डर था उसकी आंखों में. व्हेन ही परसीव्ड, व्हेन ही रियलाइज
बॉस, जब उनको पता लगे वो कहाँ है, एक जापानीज आदमी के घर पे है, यह सोच के कांपो में और घबराहट आने लग गया। दैट फेना हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, हना उसको कंसोल करने के लिए या अपोलोजाइज करके उसको थोड़ा सांत्वना देने के लिए हना के मन मतलब शी फेल्ट इट टू डू सो, शी हरसेल्फ सर्वड हिम, उन्होंने उनका कुछ हेल्प करने के लिए उन्होंने उनको सर्व किया। फॉर वन ऑफ द सर्वेंट्स कुड एंटर द रूम, उनको क्या चाहिए वो सब हना ने सर्व किया, फूड पानी हो वाट एवर भी एवरीथिंग हना सर्व हिम, बिकॉज सर्वेंट से कोई भी उनके कमरे में आने से इनकार कर दिया। When she came in the first time, पहली बार जब ऑपरेशन के बाद वो उनके कमरे में आया, she saw him someone in small strength to be prepared for some fearful thing, तो वो अपना पूरा एनर्जी इकट्ठा करके कुछ खतरनाक चीज होने वाला है इसका फेस करने के रेडी होके, शायद हो सके वो उम्मीद कर रहे थे कि ये हना विल कम एंड स्कोल्ड या कुछ बुरा खबर बताएगा, ऐसे कुछ उम्मीद के साथ अपना सारा मेंटली और फिजिकली अपना स्ट्रेंथ समोन करके वो बैठा हुआ। डोंट बी अफ्रेड, ये देखकर हना बोला घबराओ मत, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली, तो बड़ा दया के साथ उन्होंने हना बोलने लगा डोंट बी अफ्रेड, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, तुम जापानी हो, जापान के हो, तुम इंग्लिश कैसे बोल रहे हो, ही गास्प्ड, तो सरप्राइजिंग पूछा। आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, मैं बहुत साल अमेरिका में पढ़ाई किया था, आप लोगों को मालूम है, शी रिप्लाइड, शी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, तो उनके लिए कुछ और कुछ क्वेश्चन पूछना या कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे स्ट्रेंजर, बट उनका फिजिकल कंडीशन सही नहीं था इसलिए वो बोल नहीं पाए। एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलिन पोर्सिलिन स्पून, तो वो अपना स्पून से इस आदमी को कुछ खिचड़ी या कुछ खिला रहा। He ate unwillingly, but still he ate. वो willing नहीं था कुछ खाने के लिए, but still, because of the physical condition, he was ready to eat. Now you will soon be strong. देखो, मैं तो हम तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, बुलेट निकला गया, तुम्हारा कंडीशन सही हो जाएगा, जल्दी ही तुम स्ट्रांग हो जाओगे। Now you will be soon be strong. She said, not liking him, and yet moved to comfort him. बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इसको, उनको फिर भी कंफर्ट करने के लिए ऐसा बोला था। हना दो शी डिडंट लाइक द स्ट्रेंजर बट इन ऑर्डर टू कंफर्ट हिम, उनको थोड़ा सेफ फील करने के लिए ऐसा बोला। ही डिड नॉट आंसर, ये सुन के स्ट्रेंजर डिड नॉट आंसर। व्हेन सडाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन होने के थर्ड डे जब पेशेंट की कंडीशन देखने के लिए सडाव आया, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, तो उन्होंने देखा कि ये आदमी देखो ऑपरेशन इधर हुआ है और इस कंडीशन में अगर वो बैठेगा तो कोई भी डॉक्टर पसंद नहीं करेगा क्योंकि इधर स्ट्रेन आ जाएगा और चोट और मतलब कंडीशन और खराब होने का चांस है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और उस तरह बैठने की वजह से उसका चेहरा भी थोड़ा कलरलेस मतलब येलो कलर का हो गया। लाइ डाउन, सराव क्राइड, सराव चिल्ला के बोला अरे लेटो, डू यू वांट टू डाई, मरना है क्या, तुम इस तरह बैठेगा तो you'll be in danger. He forced the man down gently and strongly and examined the wounds slowly but strongly. When he was retired, gently and strongly examined the wound. और wound को देखने लगा। You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. अगर तुम इस तरह का हरकत करेगा तो तुम्हें जान ले लेगा, तो अपने आप को kill करेगा। What are you going to do with me? The boy muttered. The boy पूछा, आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? Boy मतलब the stranger. He looked just now barely 17. तो उसका conditions का थोड़ा हालत देखा भी इसको लग रहा कि वो 17 साल का boy जैसा लग रहा था। Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करने वाले? ऐसा पूछा हमारा stranger. For a moment, Sadhav did not answer. कुछ क्षण के लिए Sadhav कुछ नहीं बोला. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. अपना उनको थोड़ा एग्जामिन किया पेशेंट को थोड़ा देखने के बाद वो रजाई उनके ऊपर डाल दिया क्योंकि इनको कोल्ड फील ना हो जाए। I do not know myself what I shall do with you. तुम्हारे साथ क्या करें? मैंने अभी सोचा नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं कि तुम्हें तुम्हारे साथ क्या करें, पुलिस का हवाले करें, समुद्र में डालें, क्या करें मुझे पता नहीं। You are
प्रिंसिपल से बच के आया हो, बाहर के टाइम पे एक बंदी है तुम बच के आया हो, नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। वो जब सदा ने ये बोला कि तुम घुसने वाला हो, शायद हमारा स्ट्रेंजर कुछ बोले के मुंह खोले और सदा ने बोला नहीं चुप रहो मुंह मत खोलना, इवन मेरे बोलने से पहले तुम तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना मुझे, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक, उसे बोला नहीं तुम कुछ मत बोलो, इवन तुम्हारा नाम तक बोला नहीं, Do not even tell me your name unless I ask you. जब तक मैं ना पूछूं तुम्हारा नाम तक मत बोला। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. तो थोड़ी देर आपस में देखा, फिर यंग मैन अपने आंख बंद करके अपना इस दुर्दशा के बारे में सोच के कहीं और वॉल की तरफ देखे आंखें बंद किए। Okay, he whispered his mouth a bitter lie. मतलब बस इमोशन थोड़ा हैप्पी नहीं था। ओके सोल्जर ने बोला ओके बोल के, मतलब उसका चेहरे पे थोड़ा अनहैप्पीनेस था सदाव के इस वर्ड से। आउटसाइड द डोर हना वाज वेटिंग फॉर सदाव, ही सो अर्पण सर शी वाज इन ट्रबल। तो बाहर हना वेट कर रहा था सदाव के लिए, सदाव को हना का चेहरा देख के लगा कि कुछ गड़बड़ खबर है, कुछ बुरा खबर है। लेट्स सी व्हाट इट इज। Sarah, you mean tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. So servants बोल रहे कि इस घर में वो लोग काम करना नहीं चाहता अगर वो servant sorry वो stranger इधर है। जब तक वो stranger इधर है वो लोग comfortably काम करना नहीं चाहता। She tells me that they are saying that we were living so long in America. वो लोग बोल रहे कि हम बहुत सालों तक अमेरिका में पढ़ाई किया है। That we forgot to think of our own country first. इसलिए अमेरिका में बहुत साल तक पढ़ाई करने के कारण हम अमेरिका के प्रति दया दिखा रहे हैं, जापान के बारे में नहीं सोच रहे, ऐसे बोल रहे हैं सर्वेंट्स। They think we like Americans. और वो सोच रहे हैं कि हम अमेरिकन्स को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम उधर पढ़ाई किए। ये है उनका सोच। It is not true. सदाव से हाश नहीं है, तो बिल्कुल सही नहीं है। हम उस आदमी को या अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। Americans are our enemies. कुछ भी हो अमेरिकन हमारा enemies है। But I have been trained not to let a man die if I can help it. But मुझे यह ट्रेनिंग मिला है कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी पेशेंट को मारना नहीं चाहिए, जितना हो सके मैं उनका कोशिश करना चाहिए इनको बचाने का। वो है एक मेडिकल एक डॉक्टर का एथिक्स ये बताते हैं। The servants cannot understand that. आप तो पढ़े लिखे हो आप समझ सकते हो, बट सर्वेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग ऐसे चीजें समझते नहीं है। She said anxiously. No, he agreed. वो एग्री किया सही है, सर्वेंट्स ये बात समझेगी नहीं। Neither seemed able to say more. दोनों और कुछ नहीं बोला। And somehow the household dragged on. घर के काम ऐसे निकल गया। सर्वेंट्स भी हैप्पी नहीं थे। हना और सदा दे वर वेरी एंग्शियस। Somehow घर का काम ऐसे चलते गया। The servants grew more watchful. और servants ज़्यादा watchful मतलब और ज़्यादा जागरूक होने लग गया। इस घर के बारे में ज़्यादा watchful हो गया वो लोग। Their courtesy was as careful as ever. वो पहले जैसा ही polite थे अपने servant के सर अपने master के प्रति, बहुत ही politely काम कर रहे थे वो। But their eyes were cold. But उसके आंखों में अजीब तरह का नापसंद एक disapproval या unfriend feel कर रहा था। बिहेवियर तो वो लोग पहले जैसा पढ़ाई था, बट उसके आंखों में जब भी वो अपना मास्टर को देखते हैं वो उनको एक अनफ्रेंडली मैनर में देखते हैं। सो द कर्टेसी वाज एज कैजुअल एज एवर, बट देयर आईज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हूम दे वर हायर। तो हूम दे वर हायर मतलब सदा और आना के प्रति उनका बिहेवियर तो सही था, बट उनका नजरें थोड़ा अनफ्रेंड मैनर में था। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर आउट टू डू। बिल्कुल सबको मालूम है कि हमारे मास्टर क्या करना चाहिए। द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग, एक सुबह वो हमारा गार्डनर ये बोलने लगा। ही हैड वर्क्ड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, अपनी जिंदगी भर उन्होंने फ्लावर्स के साथ, एक गार्डनर है अपने फ्लावर्स के साथ जिंदगी बिताया उन्होंने। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट डूइंग मॉस, मॉस मालूम है खाई मतलब एक स्मॉल नॉन फ्लावरिंग प्लांट खाई टाइप का, उसमें स्पेशलाइज किया है ये पर्सन। उसका गार्डन भी बनाता है वो शानदार मॉस गार्डन। फॉर सदाव्स फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान। जापान में पाया जाने वाला मॉस गार्डन का सबसे
Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf of pine needle marred the velvet of its surface. तो वो हमें स्वीपिंग द ब्राइट मतलब वो ग्रीन कार्पेट ग्रीन ट्री छोटा ट्री को वो साफ कर रहे हैं ताकि कोई पाइन ट्री पाइन में से बड़ा बड़ा पत्ते आते हैं बड़ा सा पत्ता है उस कार्पेट पे गिरकर वो ग्रास को चोट न पहुंचाए इसलिए व्हाट ही डिड स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली बार बार आप उसको साफ करते हैं सो दैट नॉट ए लीफ और ए पाइन नीडल पाइन का या कोई पत्ते आते हैं उसको नुकसान न पहुंचाए मैट मतलब डैमेज द वेलवेट ऑफ इट सर्विस सर्विस का जो स्मूथनेस होता है उसको कोई लीफ या कोई डैमेज ना करे मार्क न करे मार्क मतलब डैमेज वो हमेशा उसको साफ करते हैं माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही आउट टू डू हमारा मेरा पुराना मास्टर यानी सदाव का फादर को मालूम है इस उस आदमी का बेटा यानी सदाव को अच्छी तरह मालूम है कि वो क्या करना चाहिए He now said pinching a bud from a bush as he spoke. एक बुश से जैसे एक कली चाहे वो सकते मुरझाए हुआ कली को हटाते हुए वो बोलने लग गया When the man was so near the enemy जब वो ऑलमोस्ट मरने वाला था why did he not let him bleed? उसको ब्लीडिंग होके खून ऐसा ब्लीडिंग होके मारने मरने क्यों नहीं दिया जब वो आदमी इतना सा डेथ के बिल्कुल करीब था और ब्लीडिंग होकर उसको मरने क्यों नहीं दिया हमारा मास्टर ऐसा सोचा गार्डनर ने एंड दैट इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास माय डियर स्टूडेंट्स रीड द चैप्टर प्रॉपर्ली एट द सेम सेंड मी द होमवर्क विदाउट डिले ओके हैव अ नाइस डे